हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिस्टोरिक्स वर्ल्ड। इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जिसके कारण घटनाओं वाली जगह हॉन्टेड प्लेस मानी जाने लगती है। हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में कुछ लोग मानने से इनकार करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस पर पक्का विश्वास दिखाते हैं। हम आज ऐसी ही एक बुरी और भयानक यादों वाली ऐतिहासिक घटना वाली जगह के बारे में बताने वाले हैं। आज से करीब 90 साल पहले की यह घटना है। लोनावला में स्थित एक खूबसूरत विला जिसमें मुंबई का एक ईसाई परिवार शिफ्ट हुआ। पति पत्नी और उनकी 17 साल की लड़की जो आर्थिक और मानसिक दोनों ओर से संपन्न थे, और उनके उस विला का नाम भी उन्होंने अपनी बेटी आयशा के नाम पर ही आयशा विला रखा। उस वक्त की सबसे लग्जरियस और बेहतरीन कार रोल्स रॉयस उनके पास थी, पर बुरा वक्त पता कर नहीं आता। उन्हें क्या पता था कि वक्त इतना बुरा हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि उनकी संपन्नता कुछ लोगों को रास नहीं आई। उस इलाके में बस वो ही एक इतनी संपन्न फैमिली थी, इसलिए उनसे जलन के कारण कोई भी उनसे बात तक नहीं करता था, ना ही कोई संबंध रखता था। एक दिन ऐसे ही जलन के कारण वहाँ के लोगों ने रात के करीब करीब 11 बजे घर में घुस के आयशा के माता पिता के साथ बेवजह मारपीट करने लगे। फिर 4-5 लोगों ने आयशा के सामने ही उसके माता पिता की हत्या कर दी, और उन्हीं के 3-4 साथियों ने आयशा के साथ जोर जबरदस्ती की और आयशा बेहोश होने के बाद वहाँ से भाग गए। उसके बाद 2-3 दिन आयशा को वहीं पर देखा गया। पुलिस इस घटना की जांच कर ही रही थी तभी एक दिन आयशा गायब हो गई, और बाद में उसके हत्यारे भी गायब हो गए जिनका पता आज तक नहीं लगा। इसके बाद से ही उस जगह पर असाधारण घटनाएं होने लगी। अक्सर लोग वहां पर एक लड़की देखे जाने का दावा करते हैं, और कुछ लोगों ने वहां पर रात में आवाज़ें सुनी। कहा जाता है आयशा विला में काफ़ी सारे लोग रात के समय एक बार जो अंदर गए तो वापस ही नहीं आए, न ही उनका कोई पता लगा। यह लोनावला का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। गौर करने की बात यह है कि इतनी महंगी कार और घर की चीज़ें होने के बावजूद यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। एक बात जो इसे और रहस्यमय बनाती है कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा फोटोज नहीं निकाली जा सकती। हो सकता है आपका मोबाइल या कैमरा बंद हो जाएगा या हैंग हो जाएगा। सुनने में अजीब है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही दावा आयशा विला के बारे में किया जाता है। वेल, ये सब तो लोगों की कही सुनी थीरीज है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका पक्का सबूत तो किसी के पास नहीं। मैं पर्सनली तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है, आयशा विला सच में हॉन्टेड है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल हिस्टोरिक्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए।